नमस्कार साथियों, हर हर महादेव। मैं हूं आपका विनय धीवर और आज एक नए वीडियो पे ले चलता हूं आपको पंचमुखी महादेव के दर्शन कराने। पंचमुखी, वो भी स्वयंभू, जो जमीन फाड़ के निकले हुए हैं और वो भी एक ही स्थान पे पांच जगह पे अलग अलग शिव शंभू के शिवलिंग जो जमीन फाड़ के निकले हुए हैं, ऐसा पहली बार आपको देखने को मिल रहा होगा। चलिए दिखाते हैं आपको शिवलिंग कहाँ कहाँ पे हैं। ये देखिए, यहाँ पे तीन शिवलिंग है इस मंदिर के अंदर पे, और ये है हमारे नंदी महाराज भोलेनाथ के वाहन। और आइए अंदर दिखाते हैं आपको शिवलिंग। हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोल बाम बोल बाम बोल बाम। मुझे इतना खुशी हो रहा है, क्या बताऊं, पांच पंचमुखी, वो भी पांच शिवलिंग एक ही जगह पे। मैं तो जिंदगी में पहली बार इसको देख रहा हूँ, इतनी मतलब खुशी हो रही, क्या बताऊँ आपको। आप भी भोलेनाथ जी से जो भी विनती करना हो, जो भी आपको मांगना हो, मांग सकते हैं। और देखो, वहाँ बैठे हमारे महादेव, आप जो भी मनोकामना मांगेंगे इनसे पूरी करेंगे, पूरी करेंगे, और वो भी सावन के महीने में। मुझे तो इतनी खुशी हो रही, क्या बताऊँ, मैं पहली बार ऐसा मनोरम दृश्य और ऐसा दुर्लभ दृश्य मैंने पहली बार देख रहा हूँ कि पांच शिवलिंग एक ही जगह पे। चलिए, तीन यहाँ पे शिवलिंग देख लिए आपको और चौथे शिवलिंग के दर्शन कराने लेकर चलते हैं। तो यहाँ चलिए, ये हैं चौथे शिवलिंग, यहाँ पे बैठे हैं हमारे एक और महादेव। ये देखिए, और देखिएगा कि जितने भी शिवलिंग हैं सबके जो आकार हैं लगभग वैसे ही हैं, और सब के सब शिवलिंग पूरे जमीन से निकले हुए हैं। अब उसके बाद हमने थोड़ा सा सावन के महीने में झूला झूलना चाहिए, तो हमने थोड़ा झूला भी झूला, और झूला झूलते हुए भोलेनाथ का भजन करते हुए आनंद लिया। और चलते हैं, फिर आपको दिखाएंगे इसके बाद एक और भोलेनाथ, जो पीपलेश्वर महादेव हैं। पीपल के पेड़ के नीचे से निकले हुए हैं, पीपल के पेड़ के नीचे, जैसे पेड़ के नीचे गुफा होते हैं भोलेनाथ यहाँ पे विराजमान होते हैं, वैसे ही यहाँ पे पीपल के पेड़ के नीचे गुफा बना हुआ है। ये देखो, पीपल का पेड़ और उसके नीचे जड़ पे गुफा है छोटा सा, उस गुफा के नीचे भोलेनाथ विराजमान हैं साक्षात। चलिए दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं, बने रहिए हमारे वीडियो पे। जिनको जिनको भोलेनाथ के दर्शन हो जाए, वो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट पे जय भोलेनाथ जरूर लिखें, उनका मनोकामना पूरा जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये है पीपल के पेड़ के नीचे बैठे पीपलेश्वर महादेव, जो पीपल के जड़ के नीचे गुफा में, गुफा है नीचे से जमीन फाड़ के निकले हुए हैं अभी। तो आज का वीडियो कैसा रहा?